भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहनों भाइयों, दो मिनट ध्यान लगा के सुनने, आपका कीमती वक्त है, वक्ता बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। मैं प्रेम पूर्वक आपको कुछ बात बताता हूँ। हो सकता है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ और मैं कांग्रेस का विरोध करूं तो कोई समझेगा कि ये तो खिलाफ है, विरोध ही करेगा। लेकिन मैं कहता हूं, इस 5 वर्ष में ही नहीं, ये राष्ट्र आजाद होने से आज तक कांग्रेस ने जिस तरह निचोड़ा है और इस राष्ट्र को लूटा है, ये मैं नहीं अतीत चीख चीख के गवाही दे रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री सबसे पहले जवाहरलाल जी नेहरू बने, उन पर कार रिलीज कार घोटाला का आरोप लगा था बहुत बड़ा, 2-3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। फिर आदरणीय इंदिरा जी बनी, बहुत ज्यादा रुपए निकलवा लिए थे, गवाहों के मर्डर करवा दिए थे और वो केस भी इन्होंने दबाया। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वो बोरस कांड में उनके बहुत दिग्गज नेता आदरणीय वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी ने ये कह के पार्टी छोड़ दी थी कि मैं इतने भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे, ये राष्ट्र के लुटेरे। उसके बाद नरसिंह राव बना, 60,000 करोड़ की यूरिया 1 ग्राम भारत में नहीं आई थी और उसका भुगतान करके और उस पैसे को लूट लिया गया। उसके बाद यहाँ तक तो लूट हजारों में ही थी, अब लाख करोड़ हजारों माननीय मनमोहन सिंह जी और सोनिया ने जिस तरह लूट के इस देश का यह हाल कर दिया कि चंबल घाटी के डाकू किसी बढ़िया के घर को लूटते हैं, वो भी नहीं करते। बहनों भाइयों, आपके देने में डकैती मार के और सुबह के उजाले में दान देने वाले को दानी नहीं कहा जाता। 5 वर्ष तक राज्य और राष्ट्र को लूटने के बाद आज अशोक गहलोत जगह जगह एक बात कहता फिर रहा कि मैं ये दे दूंगा, मैं दानी हूँ, कच्छा फरी, बनियान फरी, आलू फरी, गाजर फरी, दवाई फरी, साड़ी फरी। बहनों भाइयों, विचार करो, राज्य के अंदर 11,622 अस्पताल है और ये इलाज अशोक गहलोत के राज्य में फ्री में हो रहा है, तो ये प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाने चाहिए थे। ये अस्पताल किस लिए चल रहे हैं? प्राइवेट सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। हम किसान और मजदूर हैं, एक तरफ फ्री में भोजन मिलता है और दूसरी तरफ 1,000 रुपए में भोजन मिलता है। हम 1,000 रुपए का भोजन नहीं फ्री में करेंगे। अशोक गहलोत के राज्य में अगर सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज और दवाई मिलती है तो प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाने चाहिए थे, और दवाई फ्री मिलती है तो प्रत्येक तहसील के अंदर 100-150 दुकान मेडिकल स्टोर हैं, वो बंद हो जाने चाहिए थे और एक दुकान पर लिखवाना चाहिए था कि यहाँ राज्य सरकार की तरफ से फ्री दवाई मिलती है। वो दुकान अशोक गहलोत दिखा दे के पूरे राज्य में किस जगह खुली हुई है। और यहीं पर मेरा प्रश्न है कि जब भी कांग्रेस का कोई नेता बीमार होता है, चाहे उनकी सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया जी बीमार होती हैं, वो यहाँ अखबारों में खबर देती हैं कि मैं अमेरिका इलाज करवाने के लिए जा रही हूँ। बहनों भाइयों, जब अशोक गहलोत ने पूरा इलाज फ्री करवा रखा तो सोनिया भी यही करवा लेना आके इलाज, ये हमारे बहन भाई बनने के लिए है। सोनिया गांधी का इलाज तो विदेश में और हमारे बहन भाइयों का इलाज रोड पर, और वहां भी कंपाउंडर डॉक्टर नहीं, और फिर ढंडोरा पीटता फिर रहने के अंदर दवाई फ्री, साड़ी तो बहन बेटियों को साड़ियों की भी कही है। और विधानसभा में भी मैंने कहा था, जब अशोक गहलोत ने कहा कि मैं साड़ी खरीदूंगा, मैंने कहा था अशोक गहलोत जी सुनो मेरी बात, हम इंसान है, हमारी इज्जत है, अपनी बहन बेटियों को कपड़ा उड़ा पहना सकते हैं हम, साड़ी फरी देने की जरूरत नहीं। उतारी कितनियों की है वो गिनवाता हूँ कांग्रेस वालों ने। अभी शेख मनु सिंह भी जोधपुर का कांग्रेस का प्रवक्ता दिल्ली में एक महिला वकील को नंगी करके उसके पास बैठ के और सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने चाह रहा था, एक ने उसकी वीडियो फिल्म बना ली। हरियाणा का गृह मंत्री कांग्रेस का है, एक बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या करके जेल में बैठा हुआ है, और पूरी 200 भवनी के यार उनकी फिल्में बड़ी हुई हैं, वो तेरे राजा में आया है। इन बहन बेटियों के शरीर पर कैसे करो कपड़ा उतारो मत, हम अपनी बहन बेटियों को पहनाना जानते हैं, तुम कांग्रेस वाले कपड़े दे नहीं उतार रहे हो, जला दो, ये काम मत करो। ये हालात राज्य का कर दिया, इन बहन बेटियों को गहना पहना के और चंबल घाटी में भेज दो। बहनों भाइयों, आप सभी जानते हो कि चंबल घाटी के अंदर डाकू रहते थे। आज से 40 वर्ष पहले की प्रत्येक फिल्म सिनेमा हॉल पर पोस्टर लगता था, डाकू लाखन सिंह, डाकू जतन सिंह, डाकू फलाना सिंह, डाकुओं पर 100 में से 70 फिल्म डाकुओं पर होती थी। आज कोई फिल्म
डॉक्टरों पर नहीं बनती है, क्यों? मैं बताऊंगा, इन बहन बेटियों को चंदन घाटी में भेजे और एक एक किलो सोना पहना दे, एक भी बहन बेटी लूट जाए तो मेरी गारंटी है, और दिल्ली भेज दो, इज्जत और गहना दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है। ये हाल तो इन्होंने दिल्ली की राजधानी का कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। हमें वोट चाहिए इसलिए नहीं कह रहे कि कांग्रेस भ्रष्ट है। यहाँ का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी और निकृष्ट सरकार है। हाईकोर्ट को वोट नहीं चाहिए थी, हाईकोर्ट को चुनाव नहीं लड़ने हैं, हाईकोर्ट तो कांग्रेस और बीजेपी और राष्ट्र की राज्य की समस्त जनता का सर्वोच्च पद और उस पर विराजमान जज ईश्वर के समान होते हैं। वो जज जब ये टिप्पणी करते हैं तो इन्हें चलो भर पानी में अपना मुंह डुबो के मर जाना चाहिए। और ये कहते हैं हमने किसानों का भला कर दिया। सन 70 में मैं भी किसान का बेटा हूँ, खाद का कट्टा 15 रुपए का आता था, 40 वर्ष में बढ़ता बढ़ता खाद का कट्टा 500 रुपए का हुआ था। 2009 में इनकी सरकार आते ही 2010 में खाद के कट्टे पर 750 रुपए एकदम बढ़ा के 1250 रुपए का कर दिया इन्होंने। ये जनाब कहते हैं कि हम किसानों का भला करेंगे। सोनिया गांधी एक खेत में चली गई थी और उसने जाके किसान से कहा, तेरे खेत में कितने सुंदर चने हैं, क्या सुंदर खेत है तेरा। उस किसान ने कहा, बहनों भाइयों जल्दी आओ। 100-200 किसान और भाग के आए। उसने कहा कि सोनिया गांधी आ गई, आओ देख लो, सोनिया गांधी आ गई, आओ देख लो। सोनिया ने उस किसान से कहा कि आप अखबार पढ़ते हो क्या? कि नहीं साहब, हम अखबार नहीं पढ़ते। टेलीविजन देखते हो क्या साहब? टेलीविजन भी नहीं देखते। तो फिर मुझे कैसे पहचाना कि मैं सोनिया गांधी हूं? उस किसान ने कहा कि बुआ जी, गुआर का खेत है, तू चना बोल रही है तो सोनिया ही गांधी हो सकती है, तू और होगी थोड़ी सकते। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो क्या हूं? चना, दो जवार, गुआर, मूंग, तिल, उड़द, 20,000 ले चलो, उनके नाम बता दे तो इस राष्ट्र का राज्य दे दो उसको, और नाम नहीं बता दे तो विदाई दे दो उसको। वो किसान का भला करेगी जिसको ये नहीं पता कि अनाज पेड़ के ऊपर लगता है कि जड़ में लगता है। और मैं कहता हूँ ये बहन बेटियां बैठी हुई है, हमारा भी बहन बेटी है, हम उनकी शादी करते हैं। शादी करने के उपरांत वो ससुराल जाती है, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में हम अपने बच्चे को भेजते हैं, तेरी बहन को लिया, बुआ को लिया। ससुराल वाले नहीं भेजते तो हम बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, भाई भेज दो, बच्ची को बहुत दिन हो गए। बहना, और तुम जब पीआर से ससुराल जाती हो तो 2-4 सूट सलवार कुछ लेके जाती हो। इस सोनिया गांधी से पूछो, 25 वर्ष से इसका पीआर कहाँ है, ये क्यों नहीं गई अब तक, इसे पीआर में भेजोगे क्या? नहीं, इसका कहाँ पर तो पीआर है और कहाँ की रहने वाली है, जमाइयों का माल लूट के वहां ले जा रही है, ये वहां का यहाँ लाना चाहिए। बुआ जी ससुराल में लाते हैं, हमारे देश में, हमारे देश में ससुराल का लूट के पीआर में नहीं लेके जाते, ये तो पूरा माल पीआर में लेके जा रही है। भाई बहनों, ये मेरी बात अगर झूठी है तो आप इसका अंदाजा लगा लो। मैं बताता हूँ, ये सोनिया गांधी यूरोप के देशों की दलाल है इस देश के अंदर, और इसके पुख्ता सबूत है, हम पेश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले और वो चाहे धरती के किसी भी अदालत में चले। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारतीय विद्यार्थियों से सावधान हो जाओ अमरीकियों, नहीं तो समस्त भारतीय विद्यार्थी अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे। उसके बीच दिन बाद सोनिया गांधी ने कहा, मेरे छाती में दर्द हो गया, इलाज करवाने अशोक गहलोत के राज्य में नहीं आई, ये अमेरिका गई। अमेरिका किस डॉक्टर के पास गई, कहाँ जांच करवाई, कहाँ इसने चेकअप करवाया, कौन सी इसकी रिपोर्ट है, वो राष्ट्र के समक्ष पेश करे। ये वहां जाके ब्रेक ओबामा से मिली, ब्रेक ओबामा को विश्वास दिला के आई कि आप किसी प्रकार की, अरे भाई डीजे को बंद करवाओ, रे पीछे वाले थोड़ा बंद करवाओ, तो कल सुन लेना मेरे भाइयों, अरे सबसे पीछे जो भाई हो इस डीजे को बंद करवा दो, बेटी के बापो किसान डीजे सुनने नहीं आए। ये ब्रेक ओबामा से मिली, उसको कह के आई कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भारत की विद्या का वो हाल कर दूंगी कि 1500 बरस भारत समझ नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में आते ही और एक आदेश निकाला इसने कि राज्य के, राष्ट्र के किसी भी 8वीं स्कूल तक बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। अरे बहनों भाइयों, कच्चे मकान के ऊपर पक्का मकान नहीं बनाया जा सकता, पक्के मकान पर तो कच्चा मकान बना सकते हो। जो बच्चा 8वीं क्लास तक नहीं पढ़ा वो कभी जीवन में 10वीं 12वीं क्लास नहीं कर सकता, और वो बच्चा
बच्चा आपका बेटा सरकारी नौकरी में नहीं लग सकता। अशोक गहलोत को विधानसभा में हमने कही है टेट वेट क्या लगाए इसको बंद कर दे, इसमें किसान मजदूर का एक भी बेटा नहीं आएगा। कि ये मैंने कानून बना दी टेट तो लेना ही पड़ेगा, मगर मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया ने तेरी भी टेट की परीक्षा ली थी कि बेटी के बाप बेशरम शर्म नहीं आती तेरे को, तू टेट की परीक्षा देकर मुख्यमंत्री बना देगा तो इन पटेल गरीब किसानों के बच्चे पूरी दौलत अध्यापकों की इस राज्य के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, पूरी दौलत 7,58,000 नौजवान बच्चे आज बीएड करे हुए घर में बैठे हैं। कम से कम ज्यादा नहीं तो पूरी 2,00,000 बच्चे अशोक गहलोत ने लगाने चाहिए थे, क्योंकि इसने चुनाव से पहले वायदा किया था कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं प्रत्येक वर्ष 1,00,000 नौजवान भरूंगा। बहनों भाइयों मैं सच कहता हूँ और यहाँ भी कुछ पढ़े लिखे नौजवान बैठे होंगे, 5 वर्ष में 300 पटवारी 600 नरस और 5,000 पुलिस वाले भर्ती करके 6,000 भर्ती किए हैं, 48,000 बहन भाई रिटायर हुए हैं 5 वर्ष में और 56,000 इसने भर्ती किए हैं। तो 56,000 में 48,000 कम करें तो 8,000 बनते हैं। 1,00,000 प्रत्येक वर्ष नौजवान भर्ती करने वाला मुख्यमंत्री 8,000 भर्ती करके और राज्य की 7 करोड़ जनता की पीठ में चुरा घोपने का और राज्य की जनता को धोखा देने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया है। अब हमारे सचिवालय के अंदर 250 पद निकले हैं और मैं सच कहता हूँ यहाँ के भी नौजवान ने किसी न किसी ने पद का आवेदन किया होगा। 250 पदों के लिए इस राज्य के बहनों भाइयों सुन के इस आंकड़े को शर्म आएगी, कम से कम 2 करोड़ नौजवानों ने फोर्थ क्लास नौकरी के लिए फॉर्म भर रखे हैं, उसमें इंजीनियरिंग किया हुआ, एमबीए किया हुआ, बीएड किया हुआ, एमए किया हुआ बच्चा फोर्थ क्लास की नौकरी को तरस रहा है। ये राज था वसुंधरा जी का जिसने 10,00,000 नौजवानों को नौकरी दी थी। मैं निर्दलीय हूँ, कोई भी पार्टी का भाग नहीं, मैं सच्चाई बताने आया हूँ आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधानमंत्री इस राष्ट्र में बना है और 66 वर्ष में 69 वर्ष कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री अगर बिना दाग के गया हो तो मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूँ यहाँ कांग्रेस के इस मंच पर आके और बहस कर सकते हैं। और एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय कौन वाजपेयी जी बना, 60 वर्ष के चरित्र में एक राई का दाना का दाग उस व्यक्ति के चरित्र पर हो तो धिक्कार है हमें घर से बाहर निकलना। बहनों भाइयों ये देश आपका है, देश में बहुत सी पार्टियां हैं, पार्टियां और भी नई नई खड़ी हो जाएंगी। आप जूता खरीदते हो तो यूं बड़ लगा के देखते हो, कपड़ा खरीदते हो तो खोल के देखते हो, मटका खरीदते हो तो ठोक के देखते हो, नेता को वोट डालते हो तो उसको भी मंच पर गिर के ठोक के देख लिया तो बेईमान जा रहा है क्या ईमानदार, उसको भी मजा बनू के मरोड़ के तोड़ के देख लो कि मैं सच्चे व्यक्ति को भेज रहा हूँ या ठग को भारत का राज्य का राष्ट्र का राज दे रहा हूँ। वो 5 वर्ष के लिए 15 रुपए की मटकी को 5 बार ठोकते हो और राज्य का राष्ट्र का राज 5 वर्ष के लिए देके डाकुओं के हाथ में और लुटवाते हो देश को। बहना भाई हो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये अशोक गहलोत इस बात का राजस्थान की 7 करोड़ जनता को उत्तर दे रहे, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती हुई जो किसान सदियों से लू के तपेड़े सहन करते थे उसके छाछ में रेत गिरता था तो कहता था बेटा इसे नीचे जमने दे बाद में पियेंगे, आज उस किसान के सुलटे दिन आने ही वाले थे। अशोक गहलोत ने पहले तो हमारे देश में एक नेता हुए गांधी जी जिसको राष्ट्र पिता कहते हैं, आज एक सोनिया गांधी की लड़की है उसने शादी कर ली बाड्रा से, तो इस अशोक गहलोत ने उसको राष्ट्रीय दामाद नियुक्त कर दिया है, उसको बीकानेर से लेके और जैसलमेर तक 4 लाख बीघा जमीन दिलवाई, ये कह के कि इस जमीन को खरीद ले मैं एक आदेश निकालूंगा जो जमीन 15,000 रुपए बीघा में आज तू खरीद रहा है ये जमीन रातों रात 60, 65 और 70 लाख रुपए की हो जाएगी। और बहनों भाइयों जब वो जमीन सोनिया गांधी के दामाद बाड्रा ने अशोक गहलोत के कहने पर खरीद ली 3 महीना पहले वो जमीन किसान से 15,000 रुपए 20,000 रुपए बीघा में और फिर एक आदेश निकाला कि इसी जगह बिजली पैदा करने का सूर्य से हब बनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आई और सोनिया गांधी के दामाद बाड्रा से 65 लाख 70 लाख 55 लाख रातों रात वो जमीन खरीद के और इस राज्य की जनता को इतना बड़ा धोखा प्रॉपर्टी डील रही है। अशोक गहलोत सोनिया का शुद्ध दलाल है और मैंने पहले भी इस मंच से जोधपुर में कहा था
हमारी जाति तो जाट है बहनों भाइयों, हम जाट और विश्रोही तो इसमें बोलने लायक छोटे ही नहीं मेरे ख्याल में, मीठा सर करके जी रहे हैं हम तो तरी तरी ही निकल दिए। लेकिन एक चीज मैं भी आपके समक्ष रखता हूँ, होगी भवरी देवी देवता ने जानता नहीं फिल्म बना ली, उसकी मर्जी है। अशोक गहलोत की फिल्म ईश्वर ने बनाई है, जोधपुर का मेयर रामेश्वर दाबीच है, ब्राह्मण है, और अशोक जी गहलोत शेरी दोनों का डीएनए टेस्ट करवा दो, एक बाप की औलाद नहीं हूं तो मैं गर्दन कटवा लूंगा इसमें, मेरी गारंटी है। और अशोक गहलोत आगे मैं भी एमएलए हूँ, वो भी एमएलए, भगवान है क्या वो, आगे उतर दे मेरी बात का, आगे मेरी बाप की औलाद नहीं, मैं जहर खाऊंगा चौपास नहीं, और अगर वो एक बाप की औलाद निकले तो इस राजे को छोड़े, भरत उसको भी है, उसका कुल भरत है, और वो इस राजे की जनता को गुमराह किया बैठा है। आज राज आपका है, आज वोट आपकी है, कल आपके हाथ से निकल जाएगी, और वोट का टाइम आता है, यदि मेरे को थैली वोट डालूंगा बहना भाइयों, ये 3 दिन की शराब की थैली आपका 5 वर्ष का छुप कहना मैंने और पानी छीनती है, उन थैलियों को ठुकरा देना, कोई थैली लेके गांव में घुसे तो उसको बांध बना के वहीं बिठा लेना, पेट से बांध देना, जो तुम्हें थैली पिलाता है 3 दिन पहले वो तुम्हारा रहबर नहीं है, शोषण करता है, वो विनाश करेगा आपका, 5 वर्ष तक लूटते हैं, और जब चुनाव आता है जब अशोक गहलोत जैसे दानी बन गया आज अशोक गहलोत, इसकी 2003 में पूरी सरकार की वीडियो फिल्म बनाई थी मैंने, इसका गृह मंत्री, यूडीएच मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, और इसका बड़ा भाई कंवर सेन, जोधपुर का मेयर रामेश्वर दादी, 7 जनों की करोड़ों रुपए लेते हुए वीडियो फिल्म बना के पूरे भारत के टेलीविजनों पर दिखाई थी, और एक बच गया था इसका अध्यक्ष जो पार्टी का चंद्रबाबू की मालपुरम बना दी ले जाके, वहां से मैं तो निर्दलीय लड़ा और जमानत पर जाने मुश्किल होगी पार्टी का अध्यक्ष बन के, और वो ऐसे उसको काख में दाबे दाबे फिरता है जैसे जातू का तेजाजी चंद्रभानी है, मेरे ख्याल में यही करेगा जातू की बहुत। मैं 36 कौम के बहन भाई बैठे हैं उनसे विनती कर सकता हूँ, लेकिन जाट और बिश्नोई भाइयों से मैं सिर झुका के प्रेम पूर्वक आत्र पूर्वक एक विनती करता हूँ, जाट का बेटा होने के नाते अशोक गहलोत को आजीवन कांग्रेस जब तक नहीं निकालते हमें कांग्रेस का नाम लेना भी पाप होगा, हमारे जीवन में इसका नाम भी हमारे समाज में नहीं लिया जाएगा। मैं और समाज के भी बुजुर्ग नौजवानों से ये विनती करता हूँ, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसान के बेस में एक छुपा हुआ राक्षस है, हमने इसके सबूत दिए हैं राष्ट्र के सामने, समय कम है बहनों भाइयों, मैं कुछ ज्यादा बोल गया था, बोल तो बहुत कम गया, और ज्यादा बोलूंगा अगली सभा में बोलूंगा, टाइम कम था, और जोधपुर में और भी ज्यादा बोलूंगा। यह बगत आपके पास है, फिर नहीं आएगा, अब आपके पास में एक रास्ता बचा है, मैं उस रास्ते का आपको एक तोड़ बताता हूं। आप यहां पर विराजमान आदरणीय वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या नहीं, पक्का देखना चाहते हो तो सुनिए, उसका बढ़ने का तरीका एक ही है, यहां की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, और जब यहाँ की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जयपुर की गद्दी के ऊपर आदरणीय वसुंधरा जी को बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा, और लाल किला का झंडा आदरणीय नरेंद्र मोदी फहराएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।